होंगे, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी ना इमरजेंसी में मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो ना बस मैं अभी आप लोगों से कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, है ना। सारा कुछ मैं रास्ते में जाते जब आपको बताती हूँ। मैंने ऑलरेडी सामान सारा पैक कर लिया है और उमैस गाड़ी में लेके चले गए हैं, तो यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। मेरे चैनल पर आने वाले सब नए फ्रेंड्स से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक वॉच करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अभी जल्दी से जी नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स, इमरजेंसी में जा रही अम्मी की तरफ, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो कपड़े भी नहीं चेंज किए, साथ में रख लिए, बच्चों के भी रख लिए, अपने भी रख लिए हैं, तो ना अभी वहाँ जाके चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई बात नहीं, बच्चों को तो मैंने आज ही नहलाया था, उनके तो कपड़े चेंज थे लेकिन मैंने खुद के नहीं किए, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन है और परेशानी की वजह से ना समझ ही नहीं आ रहा कुछ ना। बस अभी जल्दी से मैंने मुझे आके बस मैं जल्दी से ना चली जाऊँ अभी लोगों के पास। बाय बाय रूम, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला, सी यू। निम्रा कह रही थी मामा मेरे लिए पानी लेते हो, मैं अपने लिए वैस के लिए उन तीनों के लिए पानी भी लेके जा रही, मैंने कहा गाड़ी में चलो पी लेंगे जाते जाते। बच्चे से रही हैं जी बाय, की हो अम्मी जी, क्यों रो रही है? अच्छा अच्छा, हाँ बस रोई जा रही है, पता नहीं इसको क्या मसला है। चलो ठीक है अम्मी जी, ओके जी, अल्लाह चलो। अम्मी जी कितने, निम्रा कौन है, माने कौन है? अच्छा परेशानी ने मैं बस जल्दी जल्दी से ना जो हाथ में आया मैंने उठा लिया है, अभी किसी चीज़ अगर मैं भूल गई तो फिर इंशाल्लाह ताला ना वो मैं इसको कहूँगी, वो मुझे ना दे देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मौसम है ना तो वाक कर रही हूँ। फ्रेंड्स एक्चुअली भाभी की तबीयत ना अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, तो उसको फिर ना हॉस्पिटल लेके गए, तो ना उन्होंने कहा कि ना सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ना इमिडियटली फिर भाभी को ना अभी शमशाबाजी लेके चली गई थी सुबह, तो उसकी ना सर्जरी वगैरह सारा डन हो के अभी, लेकिन भाभी घर आ गई हैं, तो अम्मी तो भाभी के पास है, उस्मान भाई भी पाकिस्तान गए हुए हैं, अम्मी की भी आइज की सर्जरी हुई हुई है, तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। जो नूर है ना वो ना हैदर का फ्रेंड है, तो फिर उस्मान भाई बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, मैंने कहा आप टेंशन ना लो, जो बहन भाई होते हैं वही एक दूसरे के काम आते हैं, तो ना मैंने कहा था मैं चली जाऊँगी दो चार दिन इंशाल्लाह ताला, ना मैं भाभी के ना ये मुश्किल टाइम है ना मैं उनके साथ रहूँगी, उसका ये वक्त ना पास करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। तो अभी जी बस इसी टेंशन में हम लोग जा रहे हैं उधर भाभी की तरफ। फ्रेंड्स अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, शाम का टाइम है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं होगी, हमें वही से ना 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर हम भाभी की तरफ पहुंच जाएंगे। मैंने सुबह ही चले जाना था लेकिन बस ना आपको पता है फिर बच्चों को मैंने कहा शावर वगैरह दे के इनको फ्रेश करके फिर साथ में लेके जाऊंगी ना, तो फिर है ना चलो फिर थोड़ा सा ना प्रेशर बंदे के ऊपर कम होता है कि चलो जी हानी मैं अपने घर के काम सारे काम डन करके तो ना फिर आई हूँ ना। फ्रेंड्स हम सब लोग परदेश में बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो हमें अपने रिश्तेदारों का सबको ना अपने बहन भाइयों का ना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो परदेश में आपको पता है नेबर्स जो हैं वो बेशक आपका ख्याल करते हैं, आपका पूछते हैं, लेकिन आपको पता है जो बहन भाई होते हैं जो अपने असल रिश्ते खून के होते हैं ना, तो चलो वो ज़्यादा एहसास कर लेते हैं। परदेश में रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं फिर बहुत ज़्यादा नुकसान। चलो ठीक है ये भी ले, ये भी पकड़ लें, कितनी अच्छी स्मेल आई, पता नहीं किस चीज़ की परफ्यूम है, आपने परफ्यूम लगाया है कितनी अच्छी स्मेल आई है। अभी सारी चीज़ें ले ली हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं, ये सैफ भाई की गाड़ी है, लगता है भाजी शमसा भी आई हुई है, बच्चे तो भाग गया, आपको तो निम्रा सुबह से ना इसने मेरा सर कहा मामा कब जा रहे हैं कब जा रहे हैं कब जा रहे हैं, चलो चलो हैदर हम आ गए नूर के घर जल्दी से, चलो चलो भाग भाग जल्दी जल्दी। अच्छा जी फ्रेंड्स सबसे मिल लिया, अभी जी मैं ऊपर जा रही हूँ भाभी से मिलने के लिए, और शमसा भाजी के लिए कुछ ले जाए खाने के लिए भाभी के लिए, चाय भी बनाई शमसा भाभी ने, क्योंकि भाभी का साथ दुख रहा था तो इसलिए। अभी जी चाय है मेरे हाथ में इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली जा रही हूँ, चाय ना गिर जाए। नूर ओए 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 ओए, नूर तो बहुत खुश हो गया है, नूर तो खुश हो गया है, ओए 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 ओए। भाभी शमसा पिज़्ज़ा लेके आई थी और भाभी ने डिनर कर लिया, अभी हम सब बच्चों को लेके नीचे जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में भाभी से आके बातें शादी करेंगे जब बच्चे सो जाएंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स साहब भाई भी चले गए,
शमशाबाद जी चलेगी, मैंने उसको कहा था रह लो आप भी हमारे साथ, कहती नहीं ना मैं कल को देखूंगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी सब लोग चलेंगे, वो मैथ्स भी चले गया, बच्चे जी अभी खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ना मैं थोड़ी देर नीचे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऊपर जाकर फिर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और भाभी फिर आपको पता फिर उसको ना थोड़ी सी इरीटेशन होती है। तो मैंने कहा आप सब नीचे आ जाओ प्ले करो, जब थक जाएंगे फिर इनको लेके ऊपर जाके ना सोएंगे। ये डायपर जी मैंने ऊपर लेके जाने हैं, भाभी मांग रही थी, कह रही थी कि नूर के ऊपर नहीं है, तो ये हम ऊपर लेते जाएंगे दोनों चीज़ें। और लाइट बंद कर दिया, सारा चीज़ें वगैरह क्लियर कर दी, अभी जी हम सोएंगे और सुबह को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी से चलते हैं जी ऊपर। हसन मैंने कहा ना मैं लगा दूंगी। हैदर अम्मी के पाँव दबा रहे हैं, क्या कर रहे हो? अम्मी के पाँव दबा रहे हैं। मैं कह रही थी ना तो वगैरह मैं भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी फ्रेंड्स, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिया था, उठ गए थे, तो अभी जी बच्चों को लेके आए हमारे यहाँ, जैसे पाकिस्तान में ना परेड निकलती, चलो चलो, वैसे ना परेड है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते। सब लोग ये देखे देखने के लिए आए हुए हैं। बच्चों को कैंडीज भी दे रहे हैं ये देखो। अच्छा चले चले लकी तो मैं आ गई आज इधर अम्मी की तरफ, चलो देखने को इतना अच्छा मिल गया। क्लाउन होता है हर चीज़ के लिए। इनकी यहाँ शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, अपने रेस्टोरेंट हैं, एक से एक बढ़
हैदर हैदर, बस अभी कैंडी मिल गई है। ये मैक्सिकन कल्चर है फ्रेंड्स, अम्मी जी लेकिन ये मैक्सिकन आ गाड़ियाँ ना, उनकी लाइन आएगी। फ्रेंड्स पुलिस की गाड़ियाँ, उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है। ये सारी पीछे अभी पुलिस की गाड़ियाँ, मोटरबाइक पुलिस वाले। थैंक यू। पहले के खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं पीछे ना, ट्रैफिक आ रही है, बच्चों को पीछे कर ले। चलो आ जाओ बच्चों, लेट्स गो होम। यू गाइस हैव फन? या। डिड यू गाइस रियली एंजॉय? या। ओके, लेट्स गो, वी कैन गो होम नाउ। अभी सब जा रहे हैं घर को। देयर यू गॉट सम कैंडीज? हाउ मेनी कैंडीज? टू। मूव दिस वे, गाड़ी आ रही है। जी। फ्रेंड्स ये मेरे बहुत पुराने वाले फ्रेंड्स हैं, आंटी अंकल। इन्होंने मेरा बड़ा ही साथ दिया मुश्किल टाइम में भी। मुझे गाड़ी भी आंटी ने ही चलानी सिखाई है। अभी घर जा रहे हैं वापस। ये इनका घर है और ये हमारा घर है। अभी सब बच्चे बाहर बैठ गए थक के। फ्रेंड्स भाभी को नाश्ता वगैरह करके अभी डिशेज वगैरह वॉश किए हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों के फीडर्स वॉश करके रखे हुए हैं। तो अभी जो मैं खुद सोच रही थी कुछ ना नाश्ता वगैरह बना के करते हैं, क्योंकि लंच ही टाइम हो गया है। फ्रेंड्स कल रात भाभी पौधिया ने ना मसर चावल भेजे थे, तो मैंने कहा चलो अभी नाश्ते में थोड़े से ना यही मसर चावल खा लेते हैं, फिर भाभी नूडल लेके आएगी चिकन का सालन, तो फिर हम रोटी खाएंगे लंच में। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी लंच की तैयारी। मेरे पास है ना, मैं कल आते आते ना थोड़ा सा सालन लेके आई थी घर से, दाल और करेलों का। मैंने कहा अभी सबको इसके परांठे बना के देती हूँ, और जी बच्चों के लिए जी जहाँ पर मैंने ना रोटियाँ बना के रखी हैं, और भाभी नूडल उनके लिए ना चिकन का सालन लेके आ रही हूँ। अगर किसी ने भी लंच करना है तो आप आ सकते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी लाडनी की थी, तो जल्दी से ना अम्मी आयरन करती गई, और मैंने जल्दी से सारे कपड़े ना बच्चों के हैंग कर लिए, क्योंकि वीकेंड था ना, तो वीकेंड फिर सारे बच्चों के जो स्कूल वाले कपड़े होते ना। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या नूर ने मारा? कोई बात नहीं। तो फिर सारे कपड़े ना इसी करके ना हैंग कर लिए। अभी जल्दी से लाइबा हमारी हेल्प करेगी, और जल्दी से सारे कपड़े हम लेके जाएंगे जी ऊपर और रूम में हैंग करके आएंगे। फ्रेंड असर का टाइम भी हो गया, अजान हो गया माशाल्लाह से।